हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ डॉक्टर देवाशीष शर्मा। मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूँ और एपिसोड नंबर 18 के साथ हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने आस्क डॉक्टर देवाशीष शर्मा सीरीज़ लेके। आज की सीरीज़ में पहला सवाल पूछा है मिस्टर राघव जलान जी ने। राघव जलान जी ने बोला है कि सबसे पहले तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी है कि उनके सवाल को ज़रूर लेना है। अब उन्होंने पूछा है कि स्पाइन सर्जरी के बाद मैक्सिमम वेट कितना उठा सकते हैं, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो मैक्सिमम लिमिटेशन वेट उठाने की क्या है। तो राघव सर, ऐसा कुछ भी एग्जैक्ट प्रिस्क्रिप्शंस नहीं है कि आप इतना वेट उठा सकते हैं, इतना वेट नहीं उठा सकते, आपको 10 किलो उठाना चाहिए, 20 किलो उठाना चाहिए, 50 किलो उठाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। राघव सर, ऐसा है कि जब आपको सर्जरी नहीं हो रखी होती और तब भी कुछ पेशेंट्स जब वेट उठा लेते हैं तो उनको स्लिप डिस्क हो जाती है, तो ऐसे ही जब सर्जरी हो रखी होती है उसके बाद भी फिर से स्लिप डिस्क या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर आप वेट ग्रेजुअली उठाएं, जैसे कि आप इनिशियली अपनी स्पाइन को ट्रेन करें, अगर आप रोज़ 5 किलो उठाते हैं तो आप धीरे धीरे फिर 7 किलो उठाएं, 10 किलो उठाएं धीरे धीरे, कुछ दिनों बाद 15, 20, 25, और ऐसे ग्रेजुअली वेट अगर आप उठाएंगे तो आपकी स्पाइन पर रिलेटिवली लोड तो पड़ेगा लेकिन स्पाइन की मसल्स, स्पाइन का जो एनाटॉमी है वो तैयार हो चुकी होगी एग्जैजरेटेड वेट्स को झेलने के लिए। जैसे कि जो वेट ट्रेनर्स होते हैं, जो इंटरनेशनल हैवी वेट लिफ्टर्स होते हैं, वो एक दिन में जाके वेट नहीं उठा लेते, वो पूरे साल वेट उठाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे अपनी स्पाइन को, अपनी बॉडी को इक्विप करते हैं कि वो एक्सेसिव वेट्स को झेल पाए बिना कोई बॉडीली डैमेज के साथ। तो ज़रूरी है सर कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, धीरे धीरे अपनी स्पाइनल पैरास्पाइनल मसल्स और बॉडी की मसल्स की एक्सरसाइज करें और फिर वेट, उस वेट को उठाएं जो आपकी बॉडी कंफर्टेबली उठा पाए, जिसमें आपको डिस्कम्फर्ट पेन ना हो, और जो वेट आप रेगुलरली उठा के कोई पर्पस सिद्ध करना चाहते हो, जस्ट फॉर शो ऑफ वेट ना उठाएं। आपको वेट उठाना चाहिए कि जिसको आप उठा के कोई आपका काम होता हो। अगर आप रेगुलर वेट लिफ्टर हैं तो आपको धीरे धीरे ताकत बढ़ानी चाहिए और वेट उठाना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। स्पाइन सर्जरी के बाद आराम से वेट उठाया जा सकता है और सर्जरी जितनी छोटी होती है उतना ज़्यादा वेट उठाया जा सकता है। सिंपल सर्जरीज गिव बेटर रिजल्ट्स। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल पूछा है पवन छेत्री जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि उनको 10 साल से बैक पेन है, उनको पैरों में भी दिक्कत है और हाथों में भी दिक्कत है, और उन्होंने पूछा है कि क्या उनकी सर्जरी एंडोस्कोपिक टेक्निक से हो सकती है। तो पवन छेत्री जी, अगर आपको पैरों में दिक्कत आ रही है तो जनरली ये लंबर स्पाइन के डिस्क हर्निएशन की वजह से होती है, और अगर आपको गर्दन में दिक्कत आ रही है तो ये जनरली दिक्कत आपको होती है सर्वाइकल स्पाइन की वजह से। कौन सी दिक्कत ज़्यादा है, कौन सी दिक्कत घर कर गई है और कौन सी दिक्कत की सर्जरी की ज़रूरत है, इसके लिए दोनों जगह का MRI होना चाहिए फ्रेश नया। उसके बाद एक स्पाइन सर्जन को डिटेल्ड में आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी चाहिए और आपकी कंप्लेंट्स को डिटेल में समझना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या मेन कारण है आपकी समस्या का। अगर हम उस मेन कारण को अच्छी तरह समझ जाएंगे सर, तो हम लोगों को के पास ये ऑप्शन होगा कि हम सही इलाज कर पाएँ, उस एरिया को टारगेट कर पाएँ जिसमें कि मिनिमम इंटरवेंशन करके मैक्सिमम रिजल्ट हम निकाल पाएँ, या छोटी से छोटी सर्जरी करके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हम निकाल पाएँ। बिना रिपोर्ट्स देखे, बिना पेशेंट को देखे ये बताना तो सर मुश्किल होता है कि आपकी एंडोस्कोपिक सर्जरी हो पाई कि नहीं। बट मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में, मैं जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं उनकी मैं 70-80% केसेस में कोशिश करता हूँ एंडोस्कोपी से काम चल जाए और ओपन सर्जरी या माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि हमेशा ये बात पॉसिबल नहीं हो पाती। ज़्यादा जानकारी के लिए अच्छा है कि आप अपने नियरेस्ट एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से राय लें, डिटेल में अपनी प्रॉब्लम को समझें और उनसे डिस्कस करके सही राह की तरफ आगे बढ़ें। नेक्स्ट सवाल पूछा है रितेश चौधरी जी ने। रितेश चौधरी जी ये पूछ रहे हैं कि उनको अपर बैक में, पूरे बैक में स्पाज्म हो गया है और कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा उनको। उन्होंने काफ़ी इलाज किया, 2 महीने से वो परेशान हैं और उन्होंने ये भी हमें बताया है कि उन्होंने फिजियोथेरेपी मिली और फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रितेश सर, स्पैज़म एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का, और स्पैज़म होने का मतलब है कि शरीर प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी बॉडी को मूव नहीं करने दे रहा है। ऐसे होना का कारण जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी का इस तरह का रिस्पॉन्स बिना किसी कारण के कभी नहीं आता। हो सकता है स्पाइन में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, कोई TB हो,
कोई इंजरी हुई हो, कोई डिस्क खराब हो रही हो, तो स्पैज़म का कारण जानने के लिए सही इन्वेस्टिगेशंस जैसे सीटी स्कैन्स, एमआरआईज, डायनेमिक एक्सरेज कराना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, और उसको कराने के बाद और डिटेल जांचों के बाद हम सही कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। और यदि उसमें कोई बीमारी है तो उसकी FNAC या फिर कोई बायोप्सी की करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उस बीमारी को पकड़ा जाए और उसको उसका निदान किया जाए। सही निदान करने से स्पैज़म अपने आप ख़त्म हो जाएगा और सही तरह से परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। हालांकि शॉर्टकट में आप एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन खा सकते हैं, जिससे जिनको कि स्पैज्म रिलीवर मेडिसिन भी कहते हैं या फिर मसल रिलैक्सेंट्स भी कहते हैं, बट वो परमानेंट सॉल्यूशन जब तक नहीं है जब तक कि स्पाज्म क्यों हुआ इस बात को जाना ना जाए और सही इलाज का डायरेक्शन हमें पता ना चले, या फिर कह लीजिए जड़ से इलाज ना हो, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम हैज़ टू बी फाउंड आउट एंड गिवन यू द राइट ट्रीटमेंट। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल मुस्कान जी ने पूछा है। मुस्कान जी ने बताया है कि उनको उनकी एज 13 इयर्स है, उनको D3-D4 में प्रॉब्लम है। तो मुस्कान जी, D3-D4 में प्रॉब्लम होना अपने आप में एक थोड़ी स्ट्रेंज बात है, क्योंकि जनरली डॉर्सल स्पाइन में पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती नहीं है, पर अगर आपको हो रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी सीरियस बात है, इसका इंपॉर्टेंट अटेंशन लेना चाहिए, स्पाइन सर्जन से जल्दी मिलना चाहिए और सही इलाज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि D3-D4 एक ऐसी प्रॉब्लम है इसमें लाइफ लॉन्ग पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पेशेंट जब बूढ़े भी हो जाते हैं तभी भी उनकी D3-D4 पे कभी ब्रेकडाउन नहीं होता, बट अगर इतनी यंग एज में D3-D4 में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी सही जानकारी जरूरी है, सही इलाज जरूरी है और जल्दी से जल्दी जरूरी है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी एक स्पाइन डॉक्टर से मिलें, सही इलाज की तरफ आगे बढ़ें। नेक्स्ट सवाल पूछा है कुंदन कुमार जी ने, और कुंदन कुमार जी ने पूछा है कि उनको शायद रेट्रोलिसिस है, तो क्या इसकी सर्जरी एंडोस्कोपिकली पॉसिबल है? कुंदन कुमार जी, रेट्रोलिसिस एंड स्पॉन्डाइलोलिसिस को के लिए हम जो सर्जरी करते हैं उसको नाम है टीलिफ सर्जरी। टीलिफ सर्जरी एंडोस्कोपी से भी पॉसिबल है, माइक्रोस्कोपी से भी पॉसिबल है, जब इसको और ओपन भी पॉसिबल है। जब इसको ओपन करते हैं तो उसको कहते हैं ओपन टीलिफ, जब इसे माइक्रोस्कोप से करते हैं तो उसको कहते हैं माइक्रो टीलिफ या फिर मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी या MIS टीलिफ, और जब इसे एंडोस्कोप से करते हैं तो इसे कहते हैं एंडो टीलिफ, जिसमें हम एंडोस्कोप की मदद से नसों को क्लीन कर देते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सफाई हो जाती है और फिर परक्यूटेनियस पेडिकल स्क्रूज डाल देते हैं और केज डाल देते हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट हम पेशेंट को दे सकते हैं। पर यह बात बहुत ज़रूरी है कि जो सर्जन करने वाले हैं वो किस सर्जरी में कंफर्टेबल हैं, उनको एंडो टीलिफ ज़्यादा कंफर्टेबल है, उनको ओपन टीलिफ ज़्यादा कंफर्टेबल है या माइक्रो टीलिफ ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो ये सर्जन स्पेसिफिक बात है। सर, सर्जरी तीनों तरह से करना पॉसिबल है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्जन एक्सपर्टीज एंड सर्जन प्लान, जो चीज़ उनको बेस्ट लगती है, जिससे वो बेस्ट रिजल्ट देते हैं, वो सर्जरी ही आपको करानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सवाल पूछा है साहिल अरोरा जी ने, और उन्होंने पूरी रिपोर्ट ही लिख दी है, पर उस रिपोर्ट में बेसिकली ये बताया गया है कि L2-L3 पे उनको शायद TB की शिकायत है। तो साहिल सर, अगर TB की शिकायत है तो आपको इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी स्पाइन डॉक्टर से मिलके उसकी जांच करानी चाहिए और जांच करके सही इलाज स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर इलाज में देरी होती है तो कभी कभी हड्डी के टूटने का, फ्रैक्चर होने का, बहुत ज़्यादा पस पड़ने का और पैरों हमें कमजोरी आने का रिस्क होता है। तो जल्दी से जल्दी इसका इलाज स्टार्ट कराएं, सही डॉक्टर से मिलें और आगे इलाज की तरफ बढ़ें। तो दोस्तों, ये तो रही एपिसोड की बात, और आपके सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। और इफ़ यू लाइक माई चैनल, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आपके पास कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, तो हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे चैनल पे बात कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब, फेसबुक को भी हमें फॉलो किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे फिर से नए एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड।